हेलो बच्चों, आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स, अग्रिम कर का भुगतान। तो एडवांस टैक्स क्या होता है बच्चों? एज इट्स नेम रिवील्स, दिस इज एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स। दिस इज द टैक्स दैट यू आर पेइंग इन एडवांस। ये वो कर है जिसका आप भुगतान अग्रिम में कर रहे हो। यानी कि नॉर्मली बच्चों, जब भी हम टैक्स पे करते हैं, हम टैक्स कैसे कब पे करते हैं, मैं आपको पहले दिन से एक ही चीज बता रही हूँ कि हम जब टैक्स पे करते हैं, हम क्या करते हैं, हम प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम अर्न करते हैं उसके ऊपर हम टैक्स कब पे करते हैं, नेक्स्ट असेसमेंट जो भी सॉरी नेक्स्ट ईयर में, यानी कि असेसमेंट ईयर में पे करते हैं। यही है कि प्रीवियस ईयर में हमने जो भी पैसा कमाया उसके ऊपर हमने कब टैक्स पे किया, असेसमेंट ईयर में पे किया। तो यदि हम प्रीवियस ईयर की इनकम पर प्रीवियस ईयर में ही टैक्स पे करते हैं और वो टैक्स हम इंस्टॉलमेंट्स में पे करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, एडवांस टैक्स। अगर आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 रुपए या उससे ज्यादा है, ये टोटल टैक्स लायबिलिटी किसी एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर की टोटल टैक्स लायबिलिटी 10,000 या उससे ज्यादा बनती है, तो उस केस में एक व्यक्ति की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो एडवांस टैक्स डिपॉजिट कराए। इसीलिए इस टैक्स को हम पे एज यू अर्न भी बोलते हैं। पे एज यू अर्न यानी कि जैसे ही आपने कमाया उसी वक्त आपने टैक्स पे कर दिया। अब बात यह आती है कि एडवांस टैक्स की जो स्कीम है वो किस किस के ऊपर अप्लाई होती है। तो बच्चों, एडवांस टैक्स की जो स्कीम है, इट अप्लाइज टू ऑल टैक्स पेयर सैलरीड फ्रीलांसर्स एंड बिजनेसेस। तो ये सभी के ऊपर अप्लाई होती है, चाहे कोई टैक्स पेयर सैलरीड हो, फ्रीलांसर्स हो या बिजनेसेस हो, सभी को एडवांस टैक्स पे करना है यदि उनकी टैक्स लायबिलिटी एक पर्टिकुलर ईयर की 10,000 से ज्यादा है। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट फॉर द एडवांस पेमेंट ऑफ टैक्स इज कि यदि कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है, ठीक है, सीनियर सिटीजन मतलब जिसकी एज 60 इयर्स या उससे ज्यादा है, तो यदि कोई सीनियर सिटीजन है और वो अपना कोई भी व्यवसाय नहीं कर रहा, ठीक है, एनी सीनियर हु आर 60 इयर्स और ओल्डर एंड डू नॉट रन अ बिजनेस आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम पेइंग एडवांस टैक्स। यानी कि किसको एडवांस टैक्स पे नहीं करना, ऐसे सीनियर सिटीजन को एडवांस टैक्स नहीं पे करना जो कि अपना बिजनेस नहीं कर रहा। क्लियर? द नेक्स्ट इज एडवांस टैक्स शुड बी पेड इन द ईयर इन विच इनकम इज रिसीव्ड। एडवांस टैक्स किस साल में पे करना है, जिस साल इनकम कमाई, जिस साल इनकम प्राप्त की। ऑब्वियसली जिस साल इनकम आपने प्राप्त की उसी साल उसको आपको टैक्स पे करना है, क्योंकि अगर आप अगले साल पे करते हो तो आप नॉर्मल टैक्स प्रोविजंस में कर रहे हो एंड दैट अप्लाइज टू अ पर्सन जिसकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से कम है। ठीक है, तो अब बात ये आती है कि जो एडवांस टैक्स है ये कब कब एप्लीकेबल होता है। तो इट इज एप्लीकेबल व्हेन एन इंडिविजुअल हैज सोर्सेस ऑफ इनकम अदर देन हिज और हर सैलरी। कि किसी व्यक्ति का जो सोर्स ऑफ इनकम है वो सैलरी के अलावा अगर कोई सोर्स है तो ही उसको अग्रिम कर का भुगतान करना है, अदरवाइज नहीं करना है। मतलब कि सैलरी वालों को अग्रिम कर नहीं पे करना, इसका मतलब क्या ये है? नहीं बच्चों, इसका मतलब ये है कि जिस भी पर्सन की इनकम सैलरी से होती है तो सैलरी में तो उसका टीडीएस डिडक्ट हो जाएगा, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स के रूल्स किए थे उसमें मैंने आपको बताया था कि जो एम्प्लॉयर है बीइंग अ डिडक्टर वो एम्प्लॉई की सैलरी से पहले टैक्स डिडक्ट करता है और फिर वो एम्प्लॉई को सैलरी देता है और जितना भी उसने अमाउंट डिडक्ट किया है वो गवर्नमेंट को एम्प्लॉई के बिहाफ पर डिपॉजिट करा देता है। तो सैलरीड का तो वैसे ही टीडीएस की फॉर्म में टैक्स कट गया और वो गवर्नमेंट को इंस्टॉलमेंट्स में डिपॉजिट हो गया मंथली सैलरी के साथ, तो वहां तो एडवांस टैक्स वाला सिस्टम ही नहीं रहा। तो इसीलिए यहाँ पर ये लिखा है कि एडवांस टैक्स इज एप्लीकेबल व्हेन एन इंडिविजुअल हैज सोर्सेज ऑफ इनकम अदर देन सैलरी। कि सैलरी में तो टीडीएस कट गया तो इसीलिए सैलरी पे अप्लाई नहीं होगा, बाकी सब पे होगा। तो यहाँ पर देखो लिखा है फॉर इंडिविजुअल्स विद सैलरी एज अ सोल इनकम, लिखा है ना, फॉर इंडिविजुअल्स विद सैलरी एज द सोल इनकम एडवांस टैक्स इज टेकन केयर ऑफ बाय टीडीएस डिडक्टेड एंड बाय द एम्प्लॉयर एट द टाइम ऑफ क्रेडिटिंग सैलरी। क्लियर? द नेक्स्ट पॉइंट हियर इज ड्यू डेट्स फॉर द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो अगर आपको एडवांस टैक्स पे करना है तो उसकी क्या ड्यू डेट्स है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि ड्यू डेट्स सबसे पहली लाइन क्या बताई है कि एडवांस टैक्स आपको कब पे करना है, एडवांस में पे करना है कि जिस ईयर में इनकम अर्न की
उसी ईयर में टैक्स पे करना है, तो उसको आपने क्या कहा, एडवांस टैक्स कहा। तो जब आपने एडवांस टैक्स पे किया तो आपने, मैंने साथ में ये भी बताया कि आपको एडवांस टैक्स कैसे पे करना है, इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है। तो जब आपको कोई चीज इंस्टॉलमेंट में पे करनी है तो ऑब्वियसली उसकी क्या डेट रहेगी, और जब इंस्टॉलमेंट में पे करनी है तो कब इंस्टॉलमेंट पे करनी है, कितनी इंस्टॉलमेंट पे करनी है, दैट विल बी स्टडिंग नाउ, कि उसमें है ड्यू डेट्स। ड्यू डेट्स मतलब कब पे करना है। दूसरा, कितना पे करना है एडवांस टैक्स पेबल। तो पहली बात, जो एडवांस टैक्स की ड्यू डेट्स है, एडवांस टैक्स की इंस्टॉलमेंट्स है बच्चों, हमारे पास चार इंस्टॉलमेंट्स है, यानी कि हमें एडवांस टैक्स चार इंस्टॉलमेंट्स में पे करना है, जो कि पहली एडवांस, पहली ड्यू डेट बनती है, पहली इंस्टॉलमेंट की ड्यू डेट बनती है फर्स्ट की ऑन और बिफोर 15th जून, सेकेंड बनी ऑन और बिफोर 15th सेप्टेम्बर, थर्ड बनी ऑन और बिफोर 15th दिसंबर, और फोर्थ बनी ऑन और बिफोर 15th मार्च। चार बन गई, 15 जून, सितंबर, दिसंबर एंड मार्च। आई बात समझ, यानी कि एवरी क्वार्टर एंडिंग, फर्स्ट क्वार्टर कब खत्म हुआ है, जून में, तो 15 जून, नेक्स्ट क्वार्टर खत्म कब हुआ, सितंबर में, तो 15 सितंबर, नेक्स्ट क्वार्टर कब खत्म होता है, दिसंबर, थर्ड क्वार्टर तो फिर 15 दिसंबर, और लास्ट क्वार्टर हमारा फाइनेंशियल ईयर एंड हो गया 30th मार्च को, तो ये मार्च में 15th मार्च। आई बात समझ, यानी कि जो लास्ट मंथ ऑफ द क्वार्टर है उसकी 15th इज द ड्यू डेट। दिस इज द मेथड टू लर्न, ठीक है। अब बात है इसकी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट कितना है, कितने पैसे आपको पे करने हैं। तो देखो, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में आपको पे करना है, दैट इज 15% ऑफ एडवांस टैक्स, कि आपका जितना भी टैक्स बनता है आप उसका 15% 15 जून तक सबमिट कराओगे। लेट्स टेक एन एग्जांपल कि जो आपका टैक्स बनता है वो बनता है 20,000, तो 20,000 का 15% कितना हो गया, 3,000। तो पहली इंस्टॉलमेंट कितनी बनेगी, 3,000, तो आप कितना डिपॉजिट करवाओगे, 3,000, कब कराओगे, ऑन और बिफोर 15th जून। आई बात समझ। सेकंड इंस्टॉलमेंट बनती है 15th सितंबर की, ऑन और बिफोर 15th सितंबर, और कितना बनता है, 45% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। अब 45 पे करना है और माइनस करना है जो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो, तो 45 टोटल, ठीक है। तो 45 में से 15 तो ऑलरेडी पे कर दिया, तो इसको माइनस कर दिया, तो अब कितना पे करना है, 30%, ठीक है। तो अब कितना, 20,000 का एग्जांपल चल रहा था, तो 20,000 का 30% कितना बना, 6,000। दूसरा मेथड आप कैसे कर सकते हो, कि 20,000 का आप कह लो निकालो 45%, कितना आ गया, 9 में से 3 ऑलरेडी माइनस कर दिया तो भी 6। दोनों मेथड ठीक है, आप 45% निकालो, उसमें से 15% जो आपने ऑलरेडी पे कर रखा है वो माइनस कर दो। दूसरा मेथड क्या है कि 45 माइनस 15 कितना बना, 30%, आप सीधा 30% निकाल लो। थर्ड इंस्टॉलमेंट बनी ऑन और बिफोर 15th दिसंबर, कितना टैक्स बनता है, 75% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड। अगेन 75 टोटल पे करना है, तो 20,000 का 75% कितना बनेगा, ये बन जाएगा 15,000। दूसरा ऑप्शन क्या है कि 45 तो सेकंड इंस्टॉलमेंट में पे कर चुके हो, तो 75 में से 45 माइनस कर दिया तो कितना बना, 30%। तो अब देखो दो ऑप्शन है, 75% हो गया 15,000, 15 में से 6 आप ऑलरेडी पे कर चुके हो तो 9 पे कर दो। दूसरा ऑप्शन कि आप रिमेनिंग 30 पे कर दो। आई बात समझ। नेक्स्ट, ऑन और बिफोर 15th मार्च, 100% ऑफ एडवांस टैक्स लेस एडवांस टैक्स ऑलरेडी पेड, ठीक है। तो अगेन आपको यहाँ तक आपको पूरा का पूरा एडवांस टैक्स पे करना ही करना है, ठीक है। आई बात समझ। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन लेट पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। तो यदि आप अपना, आपका एडवांस टैक्स बनता है और आप उसकी पेमेंट कर रहे हो, और वो कैसे कर रहे हो, लेट कर रहे हो, यानी कि जिस डेट पे आपको करनी थी आप उस डेट पर नहीं करते हो, तो उस केस में देखो, व्हेन एन असेसी फेल्स टू पे एडवांस टैक्स एंड डेफर्स द पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ऑन स्पेसिफाइड डेट, कि जो भी आपको ड्यू डेट्स दे रखी हैं आप उस डेट पर एडवांस टैक्स पे नहीं करते हो या उसको डिले करते हो, तो उस केस में एन असेसी इज लायबल टू पे इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 1% पर मंथ, ठीक है। अब बात आती है कि आपको 1% किसके ऊपर कैलकुलेट करना है, जितनी आपकी ड्यू डेट तक, जितना आपका अमाउंट ड्यू बनता था परसेंटेज के हिसाब से उतने अमाउंट पर पे करना है। दूसरी बात, पर मंथ है, फ्रैक्शन यानी कि नंबर ऑफ डेज शुड बी इग्नोर्ड, ठीक है, राउंड ऑफ करके मंथ में करना है। तीसरी बात, जब आप 1% निकालोगे टैक्स का, तो उसके लिए आपको टैक्स को क्या करना है, मल्टीपल ऑफ 100 में राउंड ऑफ करना है, ठीक है, और कोई भी फ्रैक्शन है तो उसको इग्नोर कर देना है,
ठीक है, ये आपके लिए ऑनलाइन कैलकुलेटर है एडवांस टैक्स का, ये अगर मैं लिंक ग्रुप में भी शेयर कर दूंगी, एक सिंपल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है, आप सिंपली प्रैक्टिस कर सकते हो इस पेज पे जाकर के, आपको खुद से कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं है, आप इस लिंक पे क्लिक करोगे, यू विल गेट सम सोर्सेज, आप वो अमाउंट आपका जो भी बनता है आप फिलअप करते जाओगे, तो यू विल गेट टू नो अबाउट योर एडवांस टैक्स। ठीक है, नेक्स्ट इज बेनिफिट्स ऑफ पेइंग एडवांस टैक्स। अब एडवांस टैक्स के बेनिफिट्स क्या है बच्चों? सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि इसमें आपको मैंने बताया कि एडवांस टैक्स कब पे करना है, जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है। तो जब आपकी टैक्स लायबिलिटी 10,000 से ज्यादा है, तो मान लो 15,000 है या 20,000, हम जो एग्जांपल ले रहे थे वही लेके चलते हैं, तो साल में एक ही बार आपको 20,000 भरना पड़ रहा है। और दूसरा ऑप्शन है कि आप 20,000 चार इंस्टॉलमेंट में भर रहे हो, एक बार 3,000, 4,000 ऐसे ऐसे करके भर रहे हो, तो आपको क्या आसान लगेगा, थोड़ा थोड़ा पे करना या लमसम में पे करना? ठीक है ना, तो ऑब्वियसली असेसी और गवर्नमेंट दोनों के लिए ही लमसम पेमेंट एक बर्डन है, और उस बर्डन को कम करता है एडवांस टैक्स बाय मेकिंग द पेमेंट ऑफ टैक्स इन इंस्टॉलमेंट्स। सो दैट वाज ऑल अबाउट एडवांस टैक्स। एडवांस टैक्स का एक फुल फ्लेज 15 नंबर का क्वेश्चन बनता है बच्चों, और उसमें आपको सिर्फ यही प्रोविजन लिखनी है, यू विल गेट फुल मार्क्स। आई होप नो पॉइंट इज लेफ्ट हियर, अगर आप इतना भी लिखते हो तो यू विल बी एबल टू स्कोर गुड। थैंक यू फॉर टुडे।